हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद नीतू। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वनीला स्पंज केक। ये देखिए, मैंने इसकी लेयर निकाली है, कितने अच्छे से लेयर निकली है। बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट केक बना है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एग्स तोड़ लेंगे। यहाँ पर मैं 4 अंडे ले रही हूँ ये, और इनको मैं एक एक करके इसमें तोड़ लूँगी चारों को। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो मैंने पहले भी एगलेस केक की रेसिपी दी है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो वो भी बहुत अच्छे से बनता है केक, उसकी भी लेयर मैंने निकाल के दिखाई थी, आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये देखिए, अब हम इसको बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं बीटर की मदद से इसको बीट कर रही हूँ, थोड़ा ईजी हो जाता है बीटर से, तो टाइम भी कम लगता है थोड़ा, और बहुत अच्छे से हमारा एग जो है बहुत अच्छे से बीट हो जाता है। हमें इसको तब तक बीट करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये एकदम से ग्लोसी ना हो जाए। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये जस्ट डबल हो गया है पहले से। अब मैं इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ, लगभग 1 चम्मच है बड़ा। और अब मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड करूँगी, पर पाउडर शुगर को आप धीरे धीरे ऐड करेंगे, एक साथ से ऐड नहीं करना है। यहाँ पर ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ और बीटर को चलाती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, और ये थोड़ा गाढ़ा होता चला जाएगा और ज़्यादा फ्लफी बन जाएगा हमारा जो बैटर है। ये देखिए, मैं सारा ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीनी मैंने जो पाउडर शुगर थी वो डाल दी है और अच्छे से इसे बीट कर लिया है। ये देखिए, ये कितना शाइनी हो गया है हमारा जो बैटर है। अब इसको हम बीटर को इसमें से निकाल लेंगे और इसको साइड रख देंगे। अब दूसरा बाउल ले रही हूँ। अब इसमें मैंने एक छलनी लगा ली है और 1 कप मैं मैदा डाल रही हूँ। 1 कप ही ये मैंने पाउडर शुगर लिया था और 1 कप ही मैंने मैदा लिया है। अब 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है इसमें। ये देखिए, आपको पाउडर शुगर उतनी ही लेनी है जितना आप मैदा ले रहे हैं। अब यहाँ पे 1/4 कप मैं डाल रही हूँ ऑयल। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं पर वो फ्लेवर नहीं होना चाहिए उसमें। और 1/4 कप ही मैंने मिल्क डाला है, नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब जो बैटर हमने बनाया था पहले एग का, उसे मैं थोड़ा सा डालूँगी इसमें और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और बैटर डाल रही हूँ, फिर से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आपको ऐसे इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, मैं इसे बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे घुमा घुमा के मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अभी हल्के से आपको दिख रहा होगा कि लम्स टाइप है, पर जब मैं इसको ऐसे लगातार चलाती रहूँगी तो लम्स नहीं रहेंगे। अब ये देखिए, अब मैं पूरा का पूरा जो एग का बैटर है वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। इसको हमें फोल्ड करते जाना है, आपको इसे बहुत तेज़ी से नहीं मिक्स करना है, धीरे धीरे फोल्ड करते हुए मिक्स करना है, ताकि जो इसमें हमने एयर जो बनाई है बीटर से वो ना निकले और हमारा केक जो है बहुत अच्छे से फ्लफी बने, अच्छे से फूले। ये देखिए, कितना अच्छे से हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैंने एक केक टिन लिया है, इसमें मैंने बटर पेपर लगाकर उसे थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें बैटर डालूंगी, बैटर को आपको हाफ ही भरना है केक टिन में। और अब इसको हम टैप कर देंगे थोड़ा सा। अब इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 45 मिनट के लिए। जो अवन है वो मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट्स के लिए। अब इसको हम डाल देंगे अवन में। ये देखिए, अवन से ये मैंने बाहर निकाल लिया है, मैंने चेक कर लिया था पहले, आपको चेक करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्लीन हमारी स्टिक निकली है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, लगभग 2 घंटे बाद मैं इसको केक टिन से निकाल रही हूँ। पहले नाइफ को साइडों से ऐसे छुड़ा लें, नाइफ डाल के, और अब मैं ये ताकि ईजिली निकल जाएगा, आप साइडों से इसे छुड़ा लेंगे अगर। ये देखिए, बहुत ही ईजिली ये केक मेरा बाहर निकल गया है मोल्ड से। और ये देखिए, मैं इसका बटर पेपर हटा देती हूँ, कितने अच्छे से हमारा केक बेक हो गया है, बहुत ही फ्लफी बना है। मैं इसकी लेयर आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए, अभी हम इसको लेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं इसकी आइसिंग भी करूँगी, इसकी वीडियो मैं आपको जल्द ही शेयर कर दूँगी।
ये देखिए पहली लेयर मैंने निकाल ली है और ये देखिए कितनी अच्छे से हमारा केक बेक हुआ है। बहुत ही प्लफी और बहुत ही लाइट वेट है ये केक, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। ये देखिए अब मैं दूसरी लेयर निकाल रही हूँ और ये भी बहुत अच्छे से हमारी लेयर निकल गई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।